हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माँ के जयकारों से गूंजा कुर्चा मंदिर, त्रयोदशी पर हुआ पैदल संघ व भव्य मेले का आयोजन, हजारों भक्तों ने लगाई हाजिरी, मांगी मन्नतें। कुर्चा मंदिर के पंचम वर्षगांठ 18 को, बाड़मेर 14 फरवरी, बाड़मेर शहर से 12 किलोमीटर दूर मालू बाईपास समाज संस्थान द्वारा निर्मित कुलदेवी सच्चियाय माता मंदिर कुर्चा में त्रयोदशी को मां के दरबार में रात्रि जागरण, पैदल संघ व भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले को लेकर संस्था की ओर से विशेष तौर से मां के प्रतिमा श्रृंगार के साथ साथ लाइटिंग एवं फूलों सजावट की गई। मंदिर प्रांगण में प्रातः से ही कतारें लग गई। भक्त जनों ने माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी। मालू बाईपास समाज संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश मेहता मालेगांव व सह मंत्री रमेश मालू बाचढ़ाव ने बताया कि त्रयोदशी मेले के उपलक्ष्य में 12 रविवार को रात्रि में आशीष जैन अहमदाबाद की ओर से रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें चढ़ावे गए और प्रसाद व पुष्प माला का लाभ सुरेश कुमार मोहनलाल मेहता, वेश का लाभ नेमी चंद गंगाराम मेहता परिवार, तिलक का लाभ बाबूलाल हंजारी माल मालू परिवार कगाऊ वाले और आरती का लाभ अशोक कुमार शंकरवाल धारीवाल परिवार द्वारा लिया गया। पैदल संघ स्थानीय कल्याणपुरा मानक हॉस्पिटल से रवाना हुआ। मां सच्चियाय भक्तों की ओर से निकाले गए इस 12 किलोमीटर दूर कुर्चा पैदल संघ अशोक कवास, प्रवीण मालू व सुरेश मालू रामसर के नेतृत्व में सैकड़ों युवक व युवतियों व बच्चों के साथ माता जी के जयकारों के साथ पताका हाथ लिए डीजे की धुन के साथ रवाना हुआ। मालू ने बताया कि माता के जयकारों के साथ पैदल यात्री कल्याणपुरा, प्रताप जी के प्रोल, कर्मू जी की गली, चौहटन रोड, कुशल वाटिका होता हुआ मां सचियाय के रथ साथ कुर्चा मंदिर पहुंचा। उन्होंने बताया कि पैदल संघ में बाड़मेर से जाने वाले माता जी के भक्त हर्षोल्लास के साथ पैदल संघ के साथ कुर्चा पहुंचने पर ट्रस्ट मंडल की अगवानी में ढोल धमाकों से स्वागत किया गया और पैदल यात्रियों को गंगाराम नेमी चंद मेहता परिवार की ओर से प्रभावना दी गई। प्रातः 9 बजे भव्य आरती का आयोजन किया गया। आरती के दौरान माता के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजायमान हो गया। उसके बाद माता को भोग लगाया गया, भोग के प्रसादी का वितरण किया गया। मालू ने बताया कि जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर त्रयोदशी के मेले में मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज उठा। जयकारों के चलते पूरे दिन मंदिर का माहौल धर्ममय बना रहा। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में स्थित काला व गौरा भैरव व लक्ष्मी माता, सरस्वती माता के मंदिर में भी विधि विधान से पूजा अर्चना की। दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही के चलते मंदिर प्रांगण छोटा नजर आ रहा था। मेले में बाड़मेर, चौहटन, गुड़ा, सनावड़ा, दोरी मन्ना, रामसर, जोधपुर, सांचौर, अहमदाबाद, सूरत, जिजनियाली सहित आसपास से कई क्षेत्रों से हजारों माँ के भक्तों ने दर्शन का लाभ लिया। इस अवसर पर रिक बदास मालू, मोहनलाल मालू दाढ़ी, बाबूलाल मालू कगाऊ, भवरलाल मालू मालाणी, कैलाश मेहता मालेगांव, मेवाराम मालू, इंजीनियर दिलीप जैन, कैलाश जाक, अशोक कवास, बांकी दास मालू, बंशीधर मेहता, गणपत मालू चौहटन, भगवान दास मालू, प्रकाश मालू, नेमी चंद इवेंट, सुरेश आरंग, रतनलाल मालू, इंदलाल मालू, लंकेश मालू रामसर, भैरूलाल सांचौर, संपत राज बोथरा दिल्ली, पवन पटुड़ा, सुरेश मालू, जितेंद्र मालू, कपिल मालू, मुकेश बोहरा अमन, धनराज मालू, जोगेंद्र मेहता, विक्रम मेहता, जितेंद्र मेहता, सुरेंद्र मेहता, गौतम वाघ बकरी सहित मां सच्चियाय भक्त मंडल व मां सच्चियाय बालिका सेवा मंडल व युवा मंडल सहित कई हजारों मां के भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। कुर्चा मंदिर की पंचम वर्षगांठ 18 को राष्ट्रीय राजमार्ग 68 बाड़मेर अहमदाबाद रोड पर स्थित मालू बाईपास समाज द्वारा निर्मित मालू गोत्रीय कुलदेवी श्री सच्चियाय माता मंदिर कुर्चा की पंचम वर्षगांठ 18 फरवरी को फाल्गुनवती दूज को मनाई जाएगी। मालू बाईपास समाज के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र मेहता व ट्रस्टी नेमी चंद मालू ने बताया कि मालू बाईपास समाज द्वारा निर्मित मालू गोत्रीय कुलदेवी श्री सच्चियाय माता मंदिर कुर्चा की पंचम वर्षगांठ स्थानीय पंडित के पावन सानिध्य में प्रातः 7:30 बजे यज्ञ, 8 बजे मूर्ति पक्षाल, 11 बजे प्रसादी, दोपहर 12:39 बजे कुलदेवी सच्चियाय माता मंदिर की ध्वज लाभार्थी परिवार मांगीलाल आसूलाल गोपी चंदोणी मालू परिवार चौहटन वाले हाल सूरत द्वारा मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाई जाएगी एवं दोपहर 1 बजे महाआरती का आयोजन होगा। पंचम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कुलदेवी मंदिर को रंगीन रोशनी व फूलों द्वारा सजाया जाएगा। वर्षगांठ कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों सहित पूरे भारत भर से हजारों माता के भक्त शिरकत करेंगे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।